के 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। बसुकल्याण के अकम्बा गांव में 26 अप्रैल को डॉक्टर बीआर अंबेडकर की मूर्ति इनॉग्रेशन प्रोग्राम का आज बसुकल्याण अंबेडकर चौक पर पोस्टर इनॉग्रेशन किया गया। इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में चितापुर MLA प्रियंक खरगे के हाथों डॉक्टर बीआर अंबेडकर के मूर्ति का इनॉग्रेशन किया जाएगा। ये प्रोग्राम संजीव कुमार वाडेकर के नेतृत्व में चलेगा। इस मौके पर संजू कुमार वाडेकर, अर्जुन कनक, पिंटू कामले, दिगंबर गायकवाड़, सिकंदर सिंधे मौजूद रहे। मेरे गांव के बच्चों ने बहुत ही मेहनत करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मूर्ति वहां पे बिठाया है और वो मूर्ति का अनावरण करने का जो सौभाग्य मेरे एरिया का, मेरे गांव का रहने की वजह से वो मुझे छोटा सा मौका मिला है। आज मैं जो भी कुछ हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वजह से हूँ, इस लेवल पे हूँ। आज आपके सामने बात भी मैं कर रहा हूँ तो केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का आशीर्वाद से मैं आज आपके सामने खड़ा रह के बात कर रहा हूँ। ये मेरा गांव एकम्बा गांव मेरा क्षेत्र पड़ता है, तो मेरे क्षेत्र में आने वाले 26 तारीख को अप्रैल महीने में करीब 5 बजे इस मूर्ति का अनावरण हमने रखा है। तो सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी जो भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान को मानते हैं, विचारधारा को मानते हैं, तो सभी जनों को मैं तय हृदय दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग ये प्रोग्राम को आके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतले का अनावरण का कार्यक्रम को शोभा बढ़ाए, यह मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ। इस प्रोग्राम में उद्घाटक प्रियंक खरगे जी है और शाहिर है हमारे येरेकर साहब है। अभी उद्घाटन हमारे अर्जुन कनक साहब ने, हमने प्रचार रैली का उद्घाटन किया है। ऐन एकम्बा ग्रामीण 26ने तारीख संविधान शिल्पी बाबा साहेब अंबेडकर और स्टैचू अनावरण गोस्कर मान्य नम्म माजी सचिवरादंथ दलितर कण्मणि, दलितर ओंदु काळजि उळ्ळंत नायकर सुपुत्र, खर्गे अवर सुपुत्र आदंत प्रियंका खर्गे अवरु आगमिसलिद्दारे। मत्तु ई ओंदु स्टाच्यूवन्नु एल्ल ग्रामस्थरु कल्तु स्टाच्यूवन्नु एल्ल व्यवस्थितवागि तयारु माडिदारे। आ मुंदिन कार्यक्रमवन्नु नम्म सोदररादंत संजू वाडेकर अवरु ಎಲ್ಲನೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಾವರಣ ಆಗೋಲಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ, ದಲಿತರಾಗಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಏನು ಮನವರಿಕೆ ಅವರಿಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ IAS IPS ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಯಾರು ಈ ದಲಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವರೇನು ಮುಂದಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಕ್ಕಂಬ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ SHV ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಸ್ತ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜನರು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ। ನಾನು ಭಾಳ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ।